बीच सड़क पर हजारों लोगों की भीड़, हवा में हाथ हिलाकर नारे लगाते हुए ये प्रदर्शनकारी और गुस्से से भरा हुआ हर एक चेहरा। ये तस्वीरें हैं अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स की। यहाँ आम चुनाव की मांग को लेकर संग्राम जारी है। सत्ता में बैठे लोग चुनाव कराना नहीं चाहते और आम लोग जल्द से जल्द चुनाव की मांग पर अड़े हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अस्थाई राष्ट्रपति अब्दुल कादर बिन सलाह इस्तीफा दें। अस्थाई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा और नफरत इतना ज्यादा है कि एक शख्स ने अल्जीरियस के मुख्य चौराहे पर आत्महत्या की कोशिश की। जी हाँ, वो पहले एक ऊंची जगह पर चढ़ गया, वहाँ पर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि प्रदर्शनकारियों ने मौका रहते ही उसे बचा लिया। गौरतलब है कि अल्जीरिया में 4 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव रद्द होने के बाद से हंगामा जारी है। असल में अल्जीरिया में 22 फरवरी से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। पहले प्रदर्शन राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बोटली के इस्तीफे के लिए हो रहा था, फिर बोटली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन अस्थायी राष्ट्रपति अब्दुल कादर के खिलाफ होने लगा, और अब राष्ट्रपति चुनाव ना होने की वजह से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर। सवाल है कि प्रदर्शनकारियों की मांग कब तक पूरी होती है।